गाइस वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो न्यू क्यू कार्ड्स हैं आने वाले हैं, तो वो कब आने वाले हैं, उसकी क्या अपडेट है। आपको पता है जो अप्रैल मंथ है वो अभी ख़त्म होने वाला है और उसके बाद मई शुरू होगा। मई टू अगस्त जो आपकी एक अलग से PDF आएगी स्पीकिंग की, बल्कि उससे पहले ही क्यू कार्ड्स आपके चेंज होने लगते हैं। स्पीकिंग है जो आपकी, उसमें नए क्यू कार्ड पूछे जाने लगते हैं और अब सबके माइंड में होगा कि अभी ये सभी क्यू कार्ड्स आएंगे, कब एग्जामिनर पूछना स्टार्ट करेगा। सो सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे इस वीडियो में। बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनका अप्रैल के लास्ट एग्ज़ाम है, जो वो उनमें से है, और मई के स्टार्टिंग वाले जैसे 7 है, 12 है, सो उसमें से कोई होगा। उन सभी की बहुत सी क्वेरीज आ रही थी, बहुत डाउटफुल हैं वो क्यू कार्ड्स को लेकर। सो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बने रहें एंड तक। अब मैं आपको कहूंगा कि आप अपनी तैयारी बिल्कुल टिप्स पे रखें, क्योंकि पॉसिबिलिटी है आपसे न्यू क्यू कार्ड्स पूछे जा सकते हैं और मई के स्टार्टिंग वाले एग्ज़ाम वाले भी तैयार रहें, क्योंकि हमेशा देखने को मिला है जो PDF है वो सारी चेंज नहीं होती। उसमें 30-35% है जो उसमें चेंज आता है और बाकी की सारे सेम रहते हैं। सो मोस्टली चांस रहता है जो क्यू कार्ड्स बहुत पुराने हो गए हों या बहुत टाइम से रिपीट हो रहे हों, सो उनके चांसेस रहते ही रहते हैं चेंज होने के। इनको मोल्ड कर दिया जाता है, पूरा चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्यू कार्ड ले लीजिए, जैसे डिस्क्राइब अ डिफिकल्ट थिंग यू डिड हो गया। अगर इसको चेंज करना हुआ तो इसको चेंज ऐसे किया जाएगा, डिस्क्राइब इजीएस्ट थिंग यू डिड, या कुछ सेंटेंस को चेंज कर दिया जाएगा, दैट्स इट। सो होप सो आप सभी समझ रहे होंगे। बाकी ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, आपको क्यू कार्ड्स वाली PDF से पूछ सकता है, और अगर उसका मन हुआ तो वो PDF से बाहर से भी पूछ सकता है आपसे। तो आपको प्रिपेयर रहना है ताकि आपका जो पूरा टाइम हो, एक अच्छी स्टोरी आप वहाँ क्रिएट कर पाएँ पूरे टाइम पर, एक अच्छी स्टार्टिंग और अच्छी एंडिंग के साथ वो कैब हो बीच, तो आपके डेफिनेटली बैंड स्कोर अच्छा आ ही जाएगा। बाकी PDF रिलीज होते ही आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, फर्स्ट वर्जन भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा एंड जब फाइनल वर्जन लॉन्च होगा तो वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी PDF चाहिए IELTS का मटेरियल, वो किसी भी मॉड्यूल का हो, एकेडमिक हो, GT हो, और कोई भी मॉड्यूल हो, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरे ट्विटर, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।